किसकी बजाय बैंड रोहित ने बॉलीवुड में? क्या रोहित ने खड़ी कर ली है अपनी मुसीबत? रोहित शेट्टी बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स के लिए खतरा है। जहां रोहित ने छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो दिया था, वहीं रोहित आज इंडस्ट्री में सबके बाप बनकर बैठे हैं। बड़ी बड़ी स्टार कास्ट के साथ बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देने वाले रोहित एक्शन और कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। अब ऐसे में उनकी गोलमाल फ्रेंचाइज हो या फिर कॉप यूनिवर्स, सभी की सभी मूवीज इनमें से खूब पैसे कमाती हैं, तो लोगों की वाह वाह भी ये लूट ही जाती है। इसी वजह से बहुत से डायरेक्टर्स रोहित के लार्ज देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस को कॉपी करने में कई बार बुरी तरीके से फेल भी हो जाते हैं। अब आप ही देखिए धूम जैसे फ्रेंचाइज का भी तीसरा पार्ट, जिसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान थे, वो भी अपने एक्शन सीन से ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाए। बड़े बड़े स्टंट्स, तेज बाइक्स और कमाल के लोकेशंस के बावजूद धूम 3 बहुत ही बड़ी डिजास्टर रही थी। अब वही रोहित अपनी मूवीज में लोकल कार्स और ऑटोस का शूट कर कर भी मूवीज को बड़ा बनाने में कामयाब रहे हैं। अब मेकर्स काफी टाइम से ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे रोहित सिर्फ मुंबई शूट कर कर के 7 या 8 गाड़ियों का धमाका कर कर के दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं, और कैसे बड़ी बड़ी कॉमेडी मूवीज जैसे डबल धमाल, वेलकम बैक अपना नाम बचाने में भी नाकामयाब हो रही है। आज हम गोलमाल 5 की बात कर रहे हैं, जो कि रोहित की कॉमेडी फ्रेंचाइज का 5th पार्ट है। ऐसे में रोहित ने बताया कि वो लोगों को कॉमेडी या एक्शन से नहीं बल्कि अपने रिलेटेबल कंटेंट से अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित ने बताया कि उनकी ये कॉमेडी मूवी लोगों को इसीलिए पसंद आती है क्योंकि लोग इस चाउज में डेली लाइफ में इसे डील करते हैं, या फिर उनकी एक्शन मूवीज में मुंबई की लोकेशन सड़कों पर बनती है ताकि लोग उनसे रिलेट कर पाए। अब हिंदुस्तान की पूरी जनता तो अमेरिका नहीं गई है और ना ही BMW बाइक्स पर बैठी है, तो जाहिर सी बात है ना कि लोग उनकी मूवी से तो रिलेट करेंगे ही नहीं। इसीलिए वो सारे के सारे डायरेक्टर्स जो रोहित के कंपेटिटर्स हैं, वो रोहित से रिलेटेबल कंटेंट से डरते हैं, और ये शायद सही नहीं है। ऐसे ही गोलमाल 5 में भी रोहित अपनी टीम के साथ ऐसे ही डेली का प्रॉब्लम और उसके आसपास की कॉमेडी की कहानी लेकर आने वाले हैं, जिसकी वजह से दर्शक एक बार फिर लोटपोट के हंसने वाले हैं। अब ये दिक्कत क्या होती है और कैसे इसे गोलमाल की कास्ट सॉल्व करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो तब तक के लिए आप अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपको इतनी हंसी के राइड में खूब मजा आएगा। और बाकी बहुत से डायरेक्टर्स को हार्ट अटैक जब रोहित फुल ऑन मस्ती, दोस्तों के बीच नोकझोंक, अपनेपन का एहसास और कॉमेडी से भरी 3 घंटे की नॉनस्टॉप मूवी आप सभी के सामने लेकर आएंगे। तब तक हम आपको ऐसे ही फैक्ट्स गोलमाल्स के बारे में बताते रहेंगे। अब ये तो बात हो गई रोहित के परफेक्ट डायरेक्शन की, अब इसी डायरेक्शन की वजह से इंडस्ट्री में रोहित ने खड़ी कर ली है दिक्कत। अपनी मूवीज में मल्टीपल हीरो और हीरोइंस रखने वाले रोहित बहुतों के गॉडफादर हैं। बहुत से एक्टर्स सिर्फ रोहित के अंडर ही काम करते हैं, इसीलिए हर मूवी में छोटे छोटे रोल्स रोहित को इन एक्टर्स को देने पड़ते हैं। 30 से भी ऊपर एक्टर्स की कास्ट रोहित को बहुत महंगी पड़ती है। अब रोहित शेट्टी अगर बजट कम करना भी चाहें तो भी उनकी मूवीज में कम से कम 15 बड़े और छोटे किरदार होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवीज काफ़ी बड़ी बन जाती हैं, जिसमें से गोलमाल फ्रेंचाइज की कास्ट तो आपको पता ही है। ऊपर से इन सभी एक्टर्स का रहना और ट्रैवल भी रोहित को ही काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसकी वजह रोहित शेट्टी खुद को भी मानते हैं। इतनी बड़ी कास्ट के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रोहित के कंधों पर आ जाती है। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी कास्ट के बिना मज़ा भी तो नहीं आएगा, और ना ही गोलमाल में। शायद यही प्राइस पे करना पड़ता है रोहित को। आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।